हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में जानेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिशन के लिए जो अभी अप्लाई चल रहा है, वो आपका कब इसका लास्ट डेट है, ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है, प्लस ये भी आपको बताऊँगा कि जो इसका प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक प्रोस्पेक्टस जारी नहीं हुआ, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल भी नहीं पा रहा है कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है, कैसे आपका एडमिशन एमसीए में होगा, कैसे आपका एडमिशन एमबीए में होगा, कैसे आपका इंटरव्यू होता है, किस प्रकार से आपका एमएमएससी एमकॉम एडमिशन का प्रोसीजर होता है, तो तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी सारे फर्दर वीडियोज़ हैं, वो फर्दर वीडियोज़ भी आपको बहुत जल्द इससे रिलेटेड तमाम सारे वीडियोज़ आपको प्रॉपर आपको मिलते जाएगा। तो हम लोग पीजी एडमिशन को कवरअप कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में जो होने वाला पीजी का एडमिशन है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक में लोग कवर अप करते हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको ज्यादा टाइम मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पर हूँ, जिसका लिंक है pup.ac.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद जब आप मेन फेज पर आते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली लिंक मिलता है, जो कि लिंक है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स ब्लीस एमलिस, इस तरीके से करके। और एक दूसरा लिंक मिलता है एडमिशन इन पीजी रेगुलर, फिर लिंक मिलता है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन पीजी रेगुलर, इस तरीके से आपको करके कई सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ ऑप्शंस में मेनली दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी रेगुलर यानी एमए एमएससी एमकॉम, एंड यहाँ पे है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, यानी आपका जो एमबीए होता है, एमसीए होता है, जो सारे वोकेशन कोर्सेस हैं, यहाँ पे वोकेशन कोर्सेस यानी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस के लिए, एंड यहाँ पे आपका रेगुलर कोर्सेस के लिए। वहीं अगर इसके लास्ट डेट के बारे में बात करें, यानी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कब तक आपका अप्लाई होगा पटना यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। सो कब तक अप्लाई होगा, मतलब कब से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है पीजी का एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी हाल के दिनों में रिजल्ट आया है। इसके बाद जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस, इसमें तेज गति पकड़ा है। तो आपका यहाँ पे कब तक अप्लाई होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे क्लियरली लिंक बताया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी रेगुलर। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ डाउनलोड होता है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से पीडीएफ खुलता है, जिसमें क्लियरली बताया गया है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का। एंड सो गाइज, इस तरीके से एक फाइल खुलता है, जिसमें लिखा जाता है पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस। यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस करके एक पॉइंट बताया गया, जिसमें बताया गया है एडमिशन नोटिस। एंड इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस, और इसमें कोर्सेज के साथ में और भी कुछ कोर्सेज है, जैसे आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ब्लीस एमलिस विल बिगिन फ्रॉम 27 जुलाई, यानी आपका 27 जुलाई से जो ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। यानी एडमिशन लेने के लिए जो आपको फॉर्म सबमिट करना है, वो आपका सबमिट हो रहा है 27 जुलाई से, और इसका लास्ट डेट आपका 15 अगस्त है। तो ये वीडियो बना करके मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, और इसका लास्ट डेट 15 अगस्त है। हालांकि उम्मीद है कि आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि जो आपका लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड करेगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी के जो पीजी कोर्सेस है उसके लिए अप्लाई कर सके, क्योंकि वे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स थे जो लगातार इसके लिए कमेंट कर रहे थे, तो मैं आज की इस वीडियो में ये आपको बता दिया। हम चलते हैं पोर्टल पे और जानते हैं कि एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, प्लस इसका प्रोस्पेक्टस यानी क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है, किस में क्या एडमिशन होता है, मैं आपको सारा आइडियाज इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। सो मैं फिर से आ चुका हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पे, और यहाँ से आने के बाद जो यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है एडमिशन इन पीजी रेगुलर, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करके फर्दर रीडायरेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, एडमिशन इन पीजी रेगुलर वाले कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से एक नया पेज खुलता है, जिसमें बताया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी रेगुलर कोर्स लॉग इन एंड कॉन्टैक्ट अस, एंड यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म 2022 इज स्टार्टेड पीजी रेगुलर कोर्सेज, यानी कहने का मतलब है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सबमिट है, वो क्या हो चुका है, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और अगर बात की जाए पीजी कोर्सेज में, पहले अगर रेगुलर कोर्स के बारे में आपको स्पेशली बात करता हूँ, इसके बाद मैं वोकेशन कोर्स के बारे में भी बात करूँगा। रेगुलर कोर्स के बारे में अगर बात की जाए, तो पीजी में आपका जो कोर्स है वो आपका है एमए, इसके बाद आपका है एमएससी, एंड आपका क्या है एमकॉम है। इस तीनों कोर्स में अगर एडमिशन के बारे में बात की जाए, तो ये तीनों कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस होता है आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे। प्लस ये भी आप एक बात याद रखिएगा कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेने के लिए एक पॉलिसी काम करता है, जो कि आपका रिजर्वेशन का पॉलिसी, और इसमें 80% सीट आपका रिजर्व होता है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड 20% सीट रिजर्व होता है आपका 20% सीट अवेलेबल होता है अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी वाले तमाम सारे स्टूडेंट्स
का यहाँ पर रिजर्वेशन होता है, यानी कह सकते हैं अगर आपका अच्छा खासा परसेंटेज नहीं होगा तो पटना विश्वविद्यालय में अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आकर के नामांकन लेना चाहते हैं पीजी के कोर्स में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कट ऑफ हमेशा अक्सर हाई जाता है और यहाँ पे 80% सीट पटना यूनिवर्सिटी के तमाम सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जो मैंने आपको बता दिया। और जो भी एडमिशन होगा एमए कोर्स में या फिर एमएससी कोर्स में या फिर आपका एमकॉम कोर्स में, इसमें ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका कोर्स है यानी जो जिस पेपर में आपने ग्रेजुएशन किया उसी में आपका, यानी जिस पेपर में आपने ग्रेजुएशन किया यानी जिस पेपर में आपने ऑनर्स किया उसी पेपर में आपका पीजी का भी कोर्स होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा पेपर आप नहीं ले सकते, ये आपका इसका एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज है। प्लस ध्यान रखिएगा मिनिमम अप्लाई करने का जो क्राइटेरियाज है वो आपका 45% आपका क्राइटेरियाज होना। तो क्राइटेरियाज से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी बातें बताया हूँ, और हालांकि एक स्पेशल वीडियोज लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा डिस्कशन करूंगा इससे रिलेटेड, और वो सारे वीडियोज पिछले साल का भी अवेलेबल है और तमाम सारे पिछले साल के वीडियोज में वहाँ प्रोस्पेक्टस जारी भी किया गया था। यहाँ अलर्ट एंड अपडेट के सेक्शन में अभी तक पटना विश्वविद्यालय की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया गया, जो कि सबसे कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति को दर्शाती है कि अभी तक प्रोस्पेक्टस को जारी नहीं किया गया। प्रोस्पेक्टस एटलीस्ट जारी किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर पता चल सके कि एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, लेकिन ये आपको जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि आगे जारी किया जाए या न भी जारी किया जाए तो खैर वो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको मिली सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ही मैं आपको कवरअप करा दे रहा हूँ। तो ये रह गया आपका बात कि जो सारे एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया हैं इसके बारे में। अब समझिए कि पटना विश्वविद्यालय में ये जो रेगुलर कोर्स है जिसमें आपका मैंने जिक्र किया एम एम एस सी एम कॉम, इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें अप्लाई बेसिकली यहाँ से आता है, इसका भी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगा। जो इसका लिंक है वो लिंक आपका patnayuniversity.org/pg-regular जो भी इसका लिंक है वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस जरिए से यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता है होम बटन, अभी हम लोग फिलहाल होम बटन पे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीजी रेगुलर कोर्स वाले ऑप्शन के साथ आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करने का चार स्टेप में बेसिकली कंप्लीट होता है। पहला स्टेप में क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल के साथ क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा। जब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको चार प्रोसेस से गुजरना है। पहला प्रोसेस आपको अपने आपको रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल के साथ। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे आपका लॉगिन डिटेल आ जाता है, जिसमें आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यानी आपका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पे। ये आपका पहला स्टेप। इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सेकेंड ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको लॉगिन करने का, तो आप क्या करते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपको मोबाइल पे आपका यानी आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आता है आप उसे लॉगिन देकर के क्या करते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, लॉगिन करते हैं। थर्ड स्टेप में आकर के आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, यानी जो एडमिशन फॉर्म है यानी कह सकते जो एडमिशन अप्लाई करने का जो फॉर्म है उसको पूरा भरना है सही तरीके से, हर एक डिटेल प्रॉपर में सही तरीके से दीजिएगा। इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, प्लस आपका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं थर्ड स्टेज में, तो फोर्थ स्टेज में आपको पेमेंट करना होता है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यही प्रोसेस होता है रेगुलर कोर्स में भी एडमिशन लेने का और वोकेशनल कोर्स में भी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। हालांकि मैं इसका एक लाइव वीडियो भी डालूंगा, अगर किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट करवाना रहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करके एक लाइव वीडियोस बना करके दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। हालांकि उसका जो वीडियोस है वीडियोस में आपके लिए अवेलेबल बहुत जल्द कर दूंगा। तो ये आपका अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस रहा, मैंने आपको स्टेप्स वाइज बताया, एक लाइव वीडियो भी आपके लिए ला करके मैं जरूर दूंगा। वहीं अगर बात की जाए वोकेशन कोर्स में, तो वोकेशन कोर्स का भी लिंक दूसरा है, बट अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वही आपका सेम प्रोसीजर वोकेशन कोर्स का भी है, उसका भी मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। तो अगर वोकेशन कोर्स के बारे में बात किए तो वोकेशन कोर्स का जो लिंक है वो यहीं पे अवेलेबल है, यहाँ हो गया एडमिशन इन पीजी रेगुलर, एंड यहाँ पे लिंक है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। तो आप इसको आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहीं से आकर के आपका वोकेशन कोर्स का भी अप्लाई होता है, साथ में ब्लीस बीएफए एलएलएम एमएड जो सारे वोकेशन कोर्सेस है सारे वोकेशन कोर्स का अप्लाई करने का लिंक यहीं पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म 2022 इज स्टार्टेड इन पीजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज लाइक ब्लीस बीएफए एलएलएम एंड एमएड एंड आपका जो आपका एमसीए है एमबीए है जो सारे कोर्सेस है इसमें अप्लाई करने का लिंक यहीं से होता है। तो इसका भी सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आपको होम बटन पे आना है, यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल के साथ आपको क्या करना है लॉगिन करना है, और यहाँ के भी चार स्टेप जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वहीं अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात करें तो सेल्फ फाइनेंसिंग के जो मैक्सिमम कोर्सेज है उसमें आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है, ध्यान रखिएगा,
और कुछ स्पेशल कोर्सेस है जिसमें आपको क्या करना है, इंटरव्यू भी देना है। जैसे एमबीए के कोर्स में आपको क्या करना होता है, इंटरव्यू भी आपको देना होता है। तो हालांकि हम लोग हर एक कोर्स के बारे में स्पेसिफाइड वीडियोस के जरिए से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि जो आपका एमसीए है उसमें कैसे एडमिशन होता है पटना यूनिवर्सिटी में, एमबीए में कैसे होता है, इसके बाद एमलिस में कैसे होता है, इसके बाद आपका ब्लीस में कैसे होता है, बीएफए में कैसे होता है, एमएड में कैसे होता है, क्वेश्चन का क्या कुछ पैटर्न रहता है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक डिटेल्स के बारे में हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियोस के जरिए से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइज, आशा करता हूं अभी अप्लाई करने का जो आपका डेट है आप अप्लाई कर दीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपका क्या है 15 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। और आज के बारे में बात करें तो आज आपका डेट है ये 9 अगस्त का डेट है, आज से मैंने आपको 6-7 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, और 1-2 दिन के अंदर तमाम सारे वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा ताकि आपको फर्दर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको यहाँ से टू द टाइम मिल सके। गाइज, वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।